Bismillah ibn shaitan ibn azim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today my topic is sakriyu gas. Iska jo hai wo first question jo hai wo hum last lecture mein discuss kar chuke hain. Isse next lecture jo hai hamara sakriyu gas ka remaining portion usko hum aaj discuss karenge. Sakriyu gas mein maine aapko bataya tha circular scale. Yahan par jo thimble hota hai isko move karte hain. To kya hota hai ki ye circular scale ki reading jo hai na wo move karti hai. Ye 0 se lekar 100 tak total jo hai na ये हमारे पास जो है ना वो 100 डिवीजन तक ना वो ये लाइंस होती हैं. ये वाला जो हमारा इंडेक्स 9 होता है इसके अंदर जो है ना वो हमारी हर लाइन जो स्मॉलेस्ट लाइन है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है. तो इसी को जो है ना वो हम दोनों को यूज करके अपना लीस्ट काउंट का फार्मूला निकालते हैं. कि लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है कि लीस्ट काउंट ऑफ सक्रियु गेज divided by number of division on circular scale. Pitch of sakriyu gauge या index line की जो line होती है, ये जो division होती है, इनको हम pitch भी कहते हैं. Index line और pitch of sakriyu gauge दोनों एक ही ये चीज होती है. अब इसकी जो smallest line है, उनका distance आपस में 1 millimeter के equal होता है. हम इस index line की value जो 1 millimeter है, उसको divide करेंगे. इसकी total जो division है हमारी 0 से 100 के दरमियान जो है 100, उनके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर, या अगर हम इसको 10 के साथ डिवाइड करें तो कन्वर्ट होके आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी. दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ सक्रियु गेज. नेक्स्ट हम अब इसकी वर्किंग जब डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग में डिस्कस किया था कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं हम उसको पहले जो है वो चेक करते हैं, उसके चेक करने में हमें पता चलेगा कि वो कैसा जो है ना वो उसके अंदर कोई खराबी है या कि नहीं है, या कि वो बिल्कुल जो है ना हर खराबी से जो है ना वो उसके अंदर किसी किस्म की खराबी नहीं है. तो अब जो है क्या करते हैं हम इस ऑब्जेक्ट जो स्टड और स्पिंडल है, कोई ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, थिंबल से हम इसको मूव करते हैं. जब इसको टाइटली वो इसके अंदर फिक्स हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो इंडेक्स लाइन है हमारी, इंडेक्स लाइन जो है उसकी ये वाली जो स्ट्रेट फॉर्म में लाइन है, ये लाइन सर्कुलर स्केल में मौजूद जो जीरो है उसके साथ बिल्कुल जो ना अटैच हो रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हो, तो हम कहते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि जीरो एरर हमारा एब्सेंस है. और अगर वो ना हो रही हो तो फिर हम कहते हैं कि जीरो एरर प्रेजेंट है. अब जब जीरो एरर प्रेजेंट है तो उस सूरत में जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमने देखा कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पेज नंबर 14 अगर आप ओपन करें बुक का तो वहां पर आपको जो है ना वो मैं फिगर्स भी रिलेट करके बताती हूँ कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है. पॉजिटिव उस वक्त होता है जब हम अपनी सर्कुलर स्केल जो है उसको जब मूव करके जब हम फिक्स करते हैं, बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं उसके स्टार्ट और स्पिंडल को, तो उस सूरत में हमारा पॉजिटिव होता है कि जब हमारी वैल्यू जो है वो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल जो होती है वो इंडेक्स लाइन के बिहाइंड हो, यानी जो सर्कुलर स्केल का जीरो है इस इंडेक्स लाइन से पीछे हो यानी नीचे हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसका जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है. और अगर जीरो क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर. इसको आप अपनी फिगर जो है वो बुक की फिगर जो है वो पेज नंबर 14 पे भी फिगर जो है वो पॉजिटिव उसकी एरर की दी गई है, और जो फिगर हमारी जो है वो सी उसके नीचे दी गई है वो हमारी नेगेटिव जीरो एरर की दी हुई है. तो आपको जीरो एरर प्रेजेंट कब है, एब्सेंस कब है, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये चारों के चारों डेफिनेशन है, इनको अच्छे से आपने जो है ना वो लर्न करना है. इसके अलावा लीस्ट काउंट, इसका सक्रियु गेज का जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला और उसकी वैल्यूज भी आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको याद करना है. तो आई होप सो कि सक्रियु गेज ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका लीस्ट काउंट और फार्मूला, उसके एरर वगैरह प्रेजेंट कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, ये समझ आ गया होगा. तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से जो है ना वो अपने लेसन